रोजाना लोकनाथ का स्पैशल प्रोग्राम प्राइम मुद्दा देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ इमरान खान। अज असी प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे वड्डियां ते सियासी खबरां दी। पंजाब दे विच सियासत लगातार गरमाउंदी होई नज़र आ रही है। 2022 दीआं विधानसभा चोणां दी तरीक दा वी ऐलान हो चुक्या। हर पार्टी चाहुंदी आ कि सियासत दा निग माण सकीए। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कित्थों चोण लड़न जा रहे ने, इस प्रोग्राम दे विच अज असी तुहानूं विस्थार दे नाल दसांगे। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे लई की बयान दित्ते ने, पंजाब रैली रद्द होने तो बाद अकाली दल दे वल्लों वड्डे इल्जाम लगाए गए ने, की ने उह इल्जाम, की ने उह बयान, इस मामले दे उत्ते गलबात करांगे। बलवीर सिंह राजेवाल दे वल्लों उम्मीदवार दा ऐलान कर दिता। बलवीर सिंह राजेवाल खुद कित्थों चोण लड़नगे प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे, ते नाल ही गलबात होर वड्डियां सियासी खबरां ते करांगे। कांग्रेस की भी गलबात होवेगी, क्योंकि कांग्रेस के वलों भावें कि उम्मीदवारां दी लिस्ट फाइनल कर दिती है पर जनतक नहीं की, पर अज एक सियासी धमाका कर दिता कांग्रेस के वलों। की आ उह सियासी धमाका, इस मामले उत्ते भी गलबात करांगे। प्रोग्राम दे विच मेरे नाल जुड़े हुए हैं सियासी माहर प्रोफेसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम च। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अणखी साहब, कांग्रेस के उत्ते सब दियां नज़रां टिकिया हुई ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी सेंचुरी मार चुकी है, अकाली दल भी। हाले तक कांग्रेस ने ना तो उम्मीदवारां दी लिस्ट जनतक कीती आ ते ना ही हाले तक मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं लै के जिहड़ा सशो पांजा उह खत्म कीता, पर अज कांग्रेस दे वल्लों एक शुरुआत कर दित्ती आ। मैनीफेस्टो ते चोण प्रचार कमेटी दे मैंबरां दी जिहड़ी लिस्ट आ उह जनतक कर दित्ती आ, किवें देखदे हो? देखो इमरान जी, कहानी यह सी कि जदों का चोन बिगल बजिया, नवजोत सिंह अपने पद्धर से रैलियां सारे पंजाब च कर रहे ने, कई थावां तों उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, पर इसके बावजूद जिहड़े दो महत्वपूर्ण, एक तो मैनीफेस्टो की गल सी कि कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो की होगा, उसके वालों अभी तक कोई स्थिति जी सामने नहीं सी आई, तो ना ही कंपेन कमेटी किस तरीके काम करेगी, ना वो चर्चा च आई। तो सब तो दिलचस्प गल यह है कि जो मैनीफेस्टो कमेटी बनी तो मैनीफेस्टो कमेटी बनता गई, पर चेयरमैन तो अलावा वो कोई मैंबर किड़े सन ये संबंधी कांग्रेस पार्टी कोई भी स्पष्ट जरा नहीं सी कर सकी। जो कि दूजे पास नवजोत सिद्धू हर थान पर जाते आपो अपने ऐलान करी जाते, जिते उन्होंने पंजाब मॉडल की गल की, उत्थे नाल ही उत्थे उन्होंने औरतों जिस तरह 5,000 रुपया 10,000 रुपया स्कूटरी देने की गल की, तो यहोजे बयान देने नवजोत सिद्धू की जी स्थिति क्योंकि लोग ये कहना शुरू कर दिता से कि वह जिहड़े पक्ष तो अजे उम्मीदवार हैं कि वह अजे मैनीफेस्टो जो ऐलान कर रहे हैं कि वह मैनीफेस्टो कमेटी का हिस्सा हैं कि नहीं, या मैनीफेस्टो दे विच वह जिहड़े ऐलान कर रहे हैं जो ऐलान वह मैनीफेस्टो दे विच शामिल होंगे या नहीं होंगे, या नवजोत सिद्धू अपने पत्र से ही अजिहे ऐलान जिहड़े वह करते जा रहे हैं। सो इहो जिहे संदर्भ दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸੋਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 60 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੋ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अणखी साहब, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों ये दावा किया जा रहा, एक खबर सामने आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी दो थावां दे उत्तों चोण लड़नगे, एक तो चमकौर साहब तो दूजा आदमपुर तो। चमकौर साहब तो आदमपुर तो टक्कर किसनू देणगे ते इसका दो थावां तो लड़न का मकसद की आ, की फायदा होवेगा जां बाकी पार्टियां नुकसान होवेगा? देखो अपने इमरान जी, कहानी यह होंगी कि जदों भी कोई व्यक्ति किसी दो थावां तो चोणां लड़न का ऐलान करता है इसका साफ तो स्पष्ट मतलब यह होंगे कि उस आत्म विश्वास की कमी है तो दूसरे बन्ने वो अपनी सीट हारन का खतरा महसूस करता कर रहा। तुम्हें याद हो कि राहुल गांधी ने भी बीते दौर से दो थावां तो सीट लड़ गई थी, एक तो जरा उन्होंने एक पछतैनी हलका उतों वो सीट हार गए थे स्मृति ईरानी के संबंध से, केरला तो जाके वह सीट जी उन्होंने जीती। ये वैसे आम तौर पर एक परंपरा रही है कि हर उम्मीदवार कई बार मुख्यमंत्री जो जे लीडर जोड़े होंगे ने जिते उन्होंने खतरा महसूस हो तो दो थावों तो सीट जोड़े लड़ते हैं, पर ये जो संकेत यह जाता कि योजे जोड़े उम्मीदवार ने जो खास तौर पर VVIP हो मुख्यमंत्री जेकर दो थावों तो सीट लड़ता पे तो एक थान तो सीट हार जाता तो इसका साफ मतलब यो निकलता कि वो आत्म विश्वास की कमी है, अभी जंग वह लड़ाई शुरू होने तो पहले ही हार जाते हैं। तो इस तरीके चरणजीत सिंह चन्नी होना के मुकाबले किहड़ा बंदा खलोंदा किहड़ा नहीं खलोंदा ये गल्लां बाधियां ने, पर उन्हां दा यह जिहड़ा ऐलान आ यह ऐलान किसी भी पक्ष तो कांग्रेस पार्टी की चोण जिहड़ी जंग होगी उन्हों मजबूत नहीं करता बल्कि उहदे संबंधी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगा दिता। इहो चरणजीत सिंह चन्नी जिन्होंने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करदिआं कई तरह के दावे जिहड़े उन्होंने किए कि अहीं ये कर दांगे अहीं वो कर दांगे, पर जेकर वह हुण जी स्थिति कि जरा खरड़ है वह हर मुलाजम वर्ग का एक जंग का मैदान बनया रहा, जिन्हें भी धरने लगते रहे खरड़ के लगते रहे तो खरड़ के जरा जन सधारण मुख्यमंत्री चन्नी करके कि दुखी होगा जो जा जहाँ उन्होंने संताप जरा भोगना पाया होगा, तो दूजे पास जो मुलाजम वर्ग आ इस तरीके उन्होंने विरोध के उत्ते खिलोते रहे हैं तो कुदरती तौर पर एक जरा आत्म विश्वास की या एक सह विश्वास की जी कमी है वह सामने आती है, तो यह फायदा जो कांग्रेस पार्टी में उन्ना नहीं होना जिन्हां विरोधी पार्टियां इस मुद्दे को उछालने का यत्न कर रही जी। इमरान जी जी बिल्कुल। अणखी साहब, जे गलबात की जाए आपां पार्टियां की गलबात कर रहे हैं तो नवीं पार्टी किसानों की पार्टी किसानी अंदोलन तो बाद जी पार्टी बनी संयुक्त समाज मोर्चा उन्होंने मुखी बलवीर सिंह राजेवाल के वलों भी ऐलान कर दिता कि वह समराले तो लड़नगे, यानी कि एक पासे बलवीर सिंह राजेवाल ने ऐलान किया तो दूजे पासे रुड़दू सिंह मानसा ने बीते दिन ही यह ऐलान कर दिता सी कि मैं मानसा तो ही लड़ांगा। जो असी उन्होंने गलबात की हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरा खुद का ही ये ऐलान आ हजे संयुक्त समाज मोर्चे ने नहीं कराया पर मैं टक्कर देने वाला इतने कोई नहीं, मेरे मुकाबले दे विच कोई नहीं, सीधे तौर पर समझे कि दो उम्मीदवार का ऐलान संयुक्त समाज मोर्चा भी कर चुकया बलबीर सिंह राजेवाल समराले तो रुड़दू सिंह मानसा मानसे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल अमराज जी, बहुत वधिया प्रश्न तुसीं कीता कि बलबीर सिंह राजेवाल अपने आप नूं समराले तो उन्होंने डिक्लेयर करता तो रुद्दू सिंह मानसा ने मानसा तो करता, तो दूजे पास वो नाल ही नाल यह गल कही भी जा रही है कि अजे सानूं संयुक्त समाज मोर्चे जिहड़ी किसानां दी पार्टी बनी है उन्होंने अधिकारित तौर पर सानूं उत्थों उम्मीदवार नहीं ऐलाने तो इसका अर्थ इहो निकलता कि यह जिहड़े दो व्यक्ति ने ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਫੈਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨੇ
इस मुद्दे तो या चोणा के संबंध के बिल्कुल उन्हें अपने आप को वखरा रखिया। उन्होंने इन्नी गल कही कि ना तो असी किसी हक प्रचार करना, ना असी यह गल कहनी कि तुम उन्हें वोटा पाओ, तो ना ही असी यह कहना कि तुम वोटा ना पाओ। सो जोगिंदर अगराहां जो सब तो वड्डा किसान यूनियन का ग्रुप है, जेकर वह इन चोणों को अपने आप को साइडलाइन कर देता तो अमराल जी फिर ये जो दो व्यक्ति ने रुजू सिंह मानसा तो बलबीर सिंह राजेवाल इन्हों की भूमिका के उत्ते कुछ सवाल जोड़े उस संभावक उठ जाते हैं। तुम्हें याद हो समराले के अच तो 2 महीने या 4 महीने पहला एक पोस्टर भी लगे सन कि भविख का मुख्यमंत्री बलबीर सिंह राजेवाल। सो ठीक है, उस वक्त राजेवाल साहब की जी भूमिका से बतौर किसान नेता बड़ी सरप्रमाणक सत्कार योग से, पर हूँ वह उस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिस सिस्टम के उत्ते हमेशा सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक प्रणाली के उत्ते सवाल उठना लोकतंत्री प्रणाली का एक अहम हिस्सा जिहदे उत्ते हर व्यक्ति सवाल प्रश्न चिन्ह उठाउंदा, चाहे वह प्रकाश सिंह बादल होनी हो, चाहे सुखबीर बादल हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू, कोई भगवंत मान कई पार्टी का लीडर हो, उसके सवाल जड़े फिर उसने शुरू हो जाते हैं। तो बलबीर सिंह राजेवाल हुण आने जो समय उम्मीदवार एक तरीके ने घोषित कर दिता तो कुदरती तौर पर हुण उन्हां दी जिहड़ी किसानी अंदोलन में निभाई भूमिका के उत्ते तो लोगों ने सवाल नहीं करने, ना ही लोगों ने उस समय के जी इन्ह की भूमिका रही है किस तरीके इन्होंने किसानी अंदोलन सिखर से पहुंचाया तो किसानों को एक जित दवाई, वो हम गल साइड हो गई। हूँ बलबीर सिंह राजेवाल की भूमिका जी उस तरीके की होनी है जिस तरीके प्रकाश सिंह बादल की है, चरणजीत सिंह चन्नी की है, भगवंत मान की है, नवजोत सिंह सिद्धू की है। सो ठीक है, किसान यूनियन जी संयुक्त समाज मोर्चा जरा किसानों का जे दो उम्मीदवार थोड़े शब्दों से उन्होंने ऐलान दिए हैं, कल तक होर 5-7 उम्मीदवार जोड़े ऐलाने जाएंगे। मैं एक दिन पहला भी प्रोग्राम से गल की कि इन्हों को 22 उम्मीदवार तो हैं, 22 उम्मीदवार भाव वो 22 प्रधान जिन्होंने ये मिलकर जी यूनियन बनाई। तो अमराल जी ये गल क्लीयर जी, जेकर ये 22 प्रधान ही 22 उम्मीदवार के रूप के लोगों के सामने आए तो फिर लोगों का समर्थन वो समर्थन नहीं जो मिलना जोड़ा समर्थन इन्हों किसानी अंदोलन के समय में मिले, क्योंकि फिर जेकर इन्होंने अपने ही चेहर पेश करना तो मैं दीप सिद्धू की वो गल याद आ रही है जो उन्हें बयान दिता से कि एकदम 22 बिल्लियां जिहड़ियां थैले चों बाहर आ गई। कहण दा अर्थ है कि जेकर संयुक्त समाज मोर्चे ने चोणां लड़नियां तो फिर ये जिहड़े प्रधान ने इन यूनियन के 22 वो अपनी साइडलाइन होकर उन्हां बंदियां नूं प्रधान उन्हां बंदियां नूं जां उन्हां किसानां नूं उम्मीदवार दे रूप दे विच अलानी जिन्होंने किसानी संघर्ष दौरान अपना अहम योगदान। जी बिल्कुल, अणखी साहब गल की जाए श्रोमणी अकाली दल की, तो बिक्रम मजीठिया नूं राहत मिली, प्रैस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद सूबे की सियासत पूरी तरह गरमा चुकी है, हर कोई बार पलटवार करता हुआ नज़र आ रहा। सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों ये गल कही गई है कि बिक्रम मजीठिया ड्रग मामले चो बाहर आए हैं, ड्रग मामले चो राहत मिली आ, पर कोई देश भगती का मामला नहीं सी। किवें देखते हो इस बयान बार पलटवार? जी देखो ये जी गल है सुखजिंदर सिंह रंधावे की, ठीक है राजनीतिक पक्ष तो बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो अः प्रोग्राम कर रहे इस घंटा या एक घंटा पहला बिक्रम मजीठिया की प्रैस कॉन्फ्रेंस जी सामने आई, तो बिक्रम मजीठिया ने प्रैस कॉन्फ्रेंस के दरम्यान अजिहे एलीगेशन जो कांग्रेस पार्टी के लाए या बाकी पार्टियां लाए वो सारे साढ़े दर्शक या सारे लोग जो जान चुके हैं, पर जी खास गल जी ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ
कांग्रेस पार्टी नूं घेरन दा जिहड़ा उह यतन करदा। पर मजीठिया साहब दा इह जिहड़ा बयान आ, इह बयान जेकर पंजाब पंजाबी ते पंजाबी दे संदर्भ दे विच देखो तां इह बयान फिर किसी भी सूरत विच ठीक नहीं लगता। यह गल क्लीयर करता कि उन्होंने ये जो बयान दिता उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रसंग दिता बिल्कुल पूर्ण तौर पर ठीक दिता। पर फिर भी जे विक्रम जिठिया यह गल कह रहा है या श्रोमी अकाली दल यह बयान दे रहा है कि प्रधानमंत्री का कतल भी हो सकता सी, फिर इस तो वही होर शर्म की गल की हो सकती। घट्टो घट योजे बयान वो भी पंजाब की धरत के संबंधी जिथे नाढा उस सवेरे गुरुद्वारा नाढा साहब जाके नमस्कार करते तो उस पंजाब की धरत के उत्ते जिथे मुख्यमंत्री साहब कुछ पंजाब के प्रोजेक्टा का ऐलान करता आए हूँ, तो जेकर श्रोमी अकाली दल अपने सियासी हितों की पूर्ति वास्ते कतल प्रधानमंत्री के कतल के संबंधी यह बयान दे दिता कि पंजाब की धरत से बयान माफ कर दो पंजाब की धरत से उन्हों का कतल की साजिश रखी जा सकती है जेदे ईडी डीजीपी भी इनवॉल्व से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तो घटिया सियासत जी कोई हो सकती है। योजे बयान जेड़े देन तो पहले घट तो घट श्रोमी अकाली दल को जरूर सोच लेना चाहिए है कि उन्होंने यह बयान दिता कि ठीक है विक्रमजीत सिंह मजीठी ने परचा दर्ज होया उन्होंने मन का अंदरूनी गुस्सा उन्होंने अजिहे बयान देने हैं, पर अजिहे बयान केवल और केवल उतों तक ही दिते जाए जिथे भाईचारक सांझ जी वो बरकरार रहे, क्योंकि यह जरा बयान अज आया तो मजीठिया सानू यह गल याद रखनी चाहिए कि अच्छ तो दो या चार दिन पहला 5 जनवरी जिस दिन प्रधानमंत्री की फेरी से तो उस फेरी तो बाद इस तरीके ने सोशल मीडिया से एक खास वर्ग खास तौर पर सिख कौम प्रति किहो जिहे बयानबाजी जी जारी हो रही है, किहो जिहे इस कौम प्रति जिहड़े बयानबाजी दी जा रही 84 की गल याद कराई जा रही है, तो यह सब का नोट लेंदे हुए श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार हरप्रीत सिंह होना ने भी इस संबंधी अपना बयान जो जारी किया। घट तो घट श्रोमी अकाली दल वर्गी जी पार्टी पंथक पार्टी है उन्होंने अजिहे बयान दे के खास तौर पर एक कौम वास्ते एक वर्ग वास्ते देश भर के नफरत का माहौल जरा नहीं अपना चाहिए। ठीक है सियासत करो कांग्रेस पार्टी घेरो जो मर्जी है, पर इस वर्ग का यहोजा बयान जरा देना वो निंदक योग है, यहोजा बयान ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अणकी साहब गल की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के सब कुछ सही चल रहा है, बीते कुछ दिनों तो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी खाने जंगी वधदी हुई नज़र आ रही है। पहले तो पैंपलेट्स का मामला सी, पैंपलेट्स पाए गए सी कि तुसी वोटां झाड़ू नूं पाओ पैसे जिस मर्जी तो ले लो, उस दे विचों कसूते फसे। उस तो बाद हुण पटियाला दे सौरभ जैन दे वल्लों राघव चड्ढा दे उत्ते वड्डे इल्जाम लगाए गए ने, कहा गया कि राघव चड्ढा मैनू टिकट देण लई तैयार सी पर मेरे तो पैसे मंग रहे सी, उह वी वड्डी मोटी रकम मंग रहे सी। पटियाला देहाती सीट की गल की सी जदों कि पटियाला देहाती तो डॉक्टर बलवीर नूं आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार ऐलान चुके ने, किवें देखदे हो का इक पासे तां राघव चड्ढा दे वल्लों भाजपा दे उत्ते इल्जाम लगाए सी कि साढ़े कौंसलरां नूं खरीदण की कोशिश की सी, वड्डे पैसे देण की गल कही सी, दूजे पासे खुद ही उन्होंने पार्टी दे वल्लों ही उन्होंने उत्ते इल्जाम लगाए ने। देखो इहो जिहे बयान जिहड़े बीते दौर च वी आम आदमी पार्टी उत्ते लगदे रहे, 2017 च वी लगदे रहे ने जदों दुरगेश पाठक ते संजय सिंह हुंदे सी, तां उहो जिहे जिहड़े बयान जिहड़े ने हुण अज दे संदर्भ च राघव चड्ढा ते लगने शुरू हो गए ने, कल नूं जरनैल सिंह ते वी लग सकदे आ। देखो इहो जिहे बयान जदों टिकटां नहीं मिलदियां बड़े इहो जिहे बयान जिहड़े आमो सामने जिहड़े हुंदे ने, इह कहानी इहनां बयानां च सच्चाई की है जां की नहीं इह तां केवल और केवल उहो ही व्यक्ति जाणदे ने कि जिहड़े व्यक्ति इस मसले दे विच जिम्मेवार। पर इमरान जी जिहड़ा सब तो दुख की गल यह होंदी कि जदों वो पार्टी जिहड़ी आम वर्कर की गल करदी होवे, जन सधारण की गल करदी होवे, गरीब वर्ग की गल करदी होवे, तां जदों उहदे उत्ते इहो जिहे इल्जाम लगदे ने तां फिर प्रश्न चिन्ह उठणे जिहड़े ने उस बाबत हुंदे ने, उहदी भूमिका जिहड़ी किहो जिही रही। बाकी आम आदमी पार्टी दे उत्ते इह इक आम हिस्सा ही है, तुहानूं याद होवेगा कि अपने सुखपाल सिंह खहिरा होणा ते उत्ते जो इल्जाम लगा ईडी ने जो गिरफ्तार किया तो उन्होंने भी यो गल कही कि यह जो पैसा इकट्ठा किया जो विदेशों का ये तो मैं पार्टी को देना ही, तो पार्टी के उत्ते तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं। कहने का अर्थ है कि कई बार योजे जे बयान ने केवल सियासी लाह लैन वास्ते ही दिते जाते हैं जब बयान दबाए जाते हैं। 2017 का मैनू याद है कि बड़े योजे बयान जे अज सुचा सिंह छोटेपुर होनी जे श्रोमी अकाली दल के बटाला विधानसभा हल्के तो उम्मीदवार ने उन्होंने बड़े बयान जोड़े ही इन्हों के खिलाफ जोड़े आम आदमी पार्टी के दिते ही, तो अंदरों अंदर ये जग जाहर से कि यहोजे जे बयान दवाए जा रहे थे वो श्रोमी अकाली दल बादल वालों की दवाई जा रही।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।